वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस कंट्रोल इन स्पिनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस लेक्चर के माध्यम से हम प्रोसेस कंट्रोल से संबंधित मल्टीपल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रोसेस कंट्रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस हो जाता है जो हमारी स्पिनिंग प्रोसेस है। स्पिनिंग प्रोसेस में कास्ट एंड क्वालिटी, कास्ट और क्वालिटी हमारी दो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। हमारा कास्ट फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर है। हमारी क्वालिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए और कास्ट हमारी मिनिमम होनी चाहिए। और इस कास्ट और क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हम ब्लू रूम से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट रिंग फ्रेम वाइंडिंग सेक्शन तक हम प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जहां पे हम वेस्ट को कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी पैरामीटर को कंट्रोल करते हैं। और इस वेस्ट, क्वालिटी और हमारे जो प्रोडक्टिविटी है, वेजेज है, सारे पैरामीटर को हम कंट्रोल करके और एक मिनिमम कास्ट पे बेस्ट यार्न क्वालिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। इससे हमारा जो है, इस सब्जेक्ट से हमारी जो संबंधित यहाँ पे इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको एग्जाम और इंटरव्यू कॉम्पिटेटिव एग्जाम कई तरीके से आपको जो है हेल्पफुल होंगे। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइबर मिक्सिंग इन स्पिनिंग। मिक्सिंग, व्हाट इज फाइबर मिक्सिंग इन स्पिनिंग। फाइबर मिक्सिंग क्या है स्पिनिंग में? डिफरेंट ग्रेड ऑफ डिफरेंट फाइबर, यानी अलग ग्रेड के और अलग फाइबर को मिक्स करना मिक्सिंग है। डिफरेंट ग्रेड ऑफ सेम फाइबर, डिफरेंट ग्रेड के सेम फाइबर को मिक्सिंग करना हमारी मिक्सिंग प्रोसेस है। डिफरेंट ग्रेड ऑफ सेम और डिफरेंट ग्रेड, डिफरेंट फाइबर ऑफ सेम आर डिफरेंट ग्रेड, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग प्रोसेस में सेम फाइबर को, सेम फाइबर के डिफरेंट लॉट को, डिफरेंट ग्रेड को हम मिक्स करने के प्रोसेस को हम मिक्सिंग कहते हैं। यानी फाइबर शुड बी सेम। कॉटन है तो कॉटन फाइबर का लॉट ए बी सी अलग अलग हमारी क्वांटिटी है, अलग अलग लॉट है, अलग अलग कंसाइनमेंट है, उनको हम मिक्स करेंगे। यानी कॉटन फाइबर के डिफरेंट लॉट मिक्स करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मिक्सिंग कहेंगे। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइबर ब्लेंडिंग इन स्पिनिंग। फाइबर ब्लेंडिंग क्या है? डिफरेंट ग्रेड ऑफ डिफरेंट फाइबर पहला ऑप्शन है। फाइबर भी अलग हो और ग्रेड हमारे अलग अलग ग्रेड के फाइबर भी हो। दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट ग्रेड ऑफ द सेम फाइबर। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट फाइबर ऑफ सेम आर डिफरेंट ग्रेड। डिफरेंट फाइबर ऑफ सेम आर डिफरेंट ग्रेड, यानी नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग हम किसको कहते हैं? जब हमारे डिफरेंट फाइबर, दो अलग अलग फाइबर, जैसे सपोज दैट कॉटन और पॉलिस्टर, कॉटन या विस्कोस फाइबर, कॉटन या नायलोन फाइबर, नायलोन और उल, यानी हम जब डिफरेंट डिफरेंट फाइबर को एक साथ मिक्स करते हैं अलग अलग रेशियो में, तो उस प्रोसेस को उसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग, उसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ मिक्सिंग आर वेट मिक्सिंग, लैप मिक्सिंग, स्लाइवर मिक्सिंग, ऑल ऑफ द एवब। यानी हमारी जो टाइप ऑफ मिक्सिंग है, मिक्सिंग हम किस कितने तरीके से कर सकते हैं, वेट मिक्सिंग के माध्यम से, लैप मिक्सिंग, स्लाइवर मिक्सिंग। यहाँ पे हमारे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एवब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट फाइबर मिक्सिंग, व्हाई फाइबर मिक्सिंग एंड फाइबर ब्लेंडिंग इज डन इन स्पिनिंग ब्लोरूम। हम फाइबर मिक्सिंग और ब्लेंडिंग स्पिनिंग ब्लोरूम में हम क्यों करते हैं, क्या हमारा पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम एग्जैक्टली जो है ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है कि मिक्सिंग ब्लेंडिंग का क्या ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन ए है टू रिड्यूस द वेस्ट ऑफ फाइबर, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइबर, टू रिड्यूस द नेप्स ऑफ फाइबर, नन ऑफ दीच। यहाँ पे हम मिक्सिंग और ब्लेंडिंग जो है हमारा जो पर्पज है, सोल पर्पज है, वो हमारा मेन उद्देश्य है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइबर, फाइबर की कॉस्ट को रिड्यूस करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द अक्रेंस ऑफ नेप्स इन यार्न प्रोसेस एज अंडर। द अक्रेंस ऑफ नेप्स इन यार्न प्रोसेस एज अंडर, ब्लोरूम इंक्रीज द नेप्स, नेक्स्ट कार्डिंग रिड्यूस द नेप्स, कॉम्बिंग रिड्यूस द नेप्स, ड्रॉइंग इंक्रीज द नेप्स। इन क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से देखिए, द अक्रेंस ऑफ नेप्स
इन यार्न प्रोसेस एज अंडर. हमारा ऑप्शन है ब्लोरूम इंक्रीज द नेप्स. स्टेटमेंट जो है ब्लोरूम इंक्रीज द नेप्स. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कॉर्डिंग रिड्यूस द वेस्ट रिड्यूस द नेप्स. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कॉम्बिंग रिड्यूस द नेप्स. एंड नेक्स्ट ड्रॉइंग इंक्रीज द नेप्स. एंड नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट ऑप्शन है. द अकरेंस ऑफ नेप्स इन द यार्न प्रोसेस एज अंडर. नेप्स जो हमारा नेप्स जो फार्म होती है नेप्स हमारी रिड्यूस होती है फार्म होती है यानी स्पिनिंग प्रोसेस में नेप्स जो है किस प्रोसेस में जो है हमारी रिड्यूस होती है और किस प्रोसेस में जो है फार्म होती है ये हमारे स्टेटमेंट है. तो ऊपर के हमारे सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए हमारा ऑप्शन ई हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ फाइबर आर. ऑप्शन है रिड्यूस कॉस्ट बाय मिक्सिंग अ चीप फाइबर विद मोर एक्सपेंसिव वन. यानी हमारे एक फाइबर की लाट एक हमारी लाट है जिसकी कॉस्ट ज्यादा है उस फाइबर में हम सिमिलर उसी टाइप के फाइबर जो कम कॉस्ट का फाइबर है उसको मिक्स करके हम नियर अबाउट हम जो क्वालिटी हमें प्रोड्यूस करनी होती है उसी क्वालिटी को हम कॉस्ट को कम करके हम प्रोड्यूस करते हैं. तो ये हमारा मिक्सिंग का एक ऑब्जेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कंबाइन प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर एंड इम्प्रूव वियरिंग क्वालिटी. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है गिव डिफरेंट टेक्सचर एंड कलर इफेक्ट. तो यहाँ पे हमारे जो स्टेटमेंट है तीनों ही स्टेटमेंट मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के रिस्पेक्ट में जो है करेक्ट है इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव. ये हमारा जो है मिक्सिंग का जो है इंपॉर्टेंस हो जाती है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ट्रेस कंटेंट इन कॉटन मिक्सिंग देन यार्न रियलाइजेशन विल. हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेस कंटेंट इन कॉटन मिक्सिंग अगर हमारी जो है हमारा ट्रेस कंटेंट अगर मिक्सिंग में इंक्रीज होता है देन यार्न रियलाइजेशन विल बी देन उसके अगर ऐसा होता है अगर ट्रेस जो है हमारे मिक्सिंग में ट्रेस परसेंटेज ज्यादा है या इंक्रीज हो रहा है उस केस में यार्न रियलाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ऑप्शन है इंक्रीज ऑप्शन बी डिक्रीज कॉन्स्टेंट नॉन ऑफ द एबव. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. ट्रेस कंटेंट अगर हमारा मिक्सिंग लेवल में बढ़ता है तो यार्न रियलाइजेशन परसेंटेज हमारा डिक्रीज होगा कम होगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन यार्न रियलाइजेशन इन ओपन एंड स्पिनिंग मिल विल इंक्रीज. व्हेन यार्न रियलाइजेशन इन ओपन एंड स्पिनिंग मिल विल इंक्रीज. ओपन एंड स्पिनिंग के केस में यार्न रियलाइजेशन कब इंक्रीज होगा. पहला ऑप्शन है इंक्रीज प्रोसेस वेस्ट बी इंक्रीज फाइबर लेंथ सी कंट्रोल प्रोसेस वेस्ट एंड डी नन ऑफ द एबव. यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कंट्रोल प्रोसेस वेस्ट. यहाँ पे यार्न रियलाइजेशन ओपन एंड स्पिनिंग हो या हमारी रिंग स्पिनिंग हो दोनों ही स्पिनिंग के केस में हमारा यार्न रियलाइजेशन तभी बढ़ेगा जब हम अपने प्रोसेस को प्रोसेस वेस्ट को जो है कंट्रोल करें. हमारा जो प्रोसेस है मिक्सिंग ब्लोरूम कार्डिंग ड्रा फ्रेम टू रिंग फ्रेम तो इस प्रोसेस में हमारे जो है वेस्ट वेस्ट जो फॉर्म होता है वेस्ट के लेवल को अगर हम कंट्रोल करें क्वालिटी को कंट्रोल करें तो हमारा जो है यार्न रियलाइजेशन परसेंटेज इंप्रूव होगा. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्रोसेस वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिनिंग मिल यार्न रियलाइजेशन इंप्रूव 1% इट मींस दैट इन स्पिनिंग मिल यार्न रियलाइजेशन इंप्रूव 1% इट मींस ऑप्शन ए है प्रॉफिट डिक्रीज प्रॉफिट कांस्टेंट प्रॉफिट इंक्रीज एंड नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज. अगर हमारा यार्न रियलाइजेशन परसेंटेज बढ़ता है इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट लेवल हमारा बढ़ेगा. यानी यार्न रियलाइजेशन का क्या मीनिंग क्या है. सपोज दैट आपने 100 केजी रॉ मटेरियल के रूप में लिया और यार्न जो आपका प्रोड्यूस हुआ 80 केजी आपका यार्न प्रोड्यूस हुआ 20 केजी आपका वेस्ट बना तो हमारी सेलिंग क्या होगी. जो हमारा मेन जो कास्ट हमें जो मेन जो हमें प्रॉफिट होगा वो यार्न सेलिंग से होगा. यहाँ पे अगर हम यार्न ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा ज्यादा होगा. तो यहाँ पे अगर यार्न रियलाइजेशन परसेंटेज 1% भी अगर बढ़ता है
तो प्रॉफिट लेवल हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीप्रोसेसिंग ऑफ सॉफ्ट वेस्ट इन्वॉल्व इन स्पिनिंग मींस, अगर हम स्पिनिंग प्रोसेस में सॉफ्ट वेस्ट जो हमारा प्रोसेस में जो रिलीज हो रहा है, निकल रहा है मशीनों से, अगर उसको हम प्रोसेस में, अगर वहीं रीप्रोसेस में अगर हम ले लेते हैं, उस केस में हमारे क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है इंप्रूव यार्न क्वालिटी, बी डिटोरिएट्स यार्न क्वालिटी, नो इफेक्ट ऑन यार्न क्वालिटी एंड प्रॉफिट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डिटोरिएट्स यार्न क्वालिटी। अगर हम रीप्रोसेसिंग वेस्ट प्रोसेस को रीप्रोसेस जो वेस्ट को, अगर जो हमारा प्रोसेस में जो वेस्ट रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, उसको हम रीप्रोसेस में लेते हैं, तो यार्न क्वालिटी का लेवल हमारा डिक्रीज होता है, यील्ड हमारी यार्न रियलाइजेशन बढ़ेगा, बट क्या होगा, क्वालिटी लेवल हमारा डिटोरिएट होगा। तो हमें एक बड़े जो है किस रेशियो में मिक्स करना है, कॉन्स्टेंटली मिक्स करना है, इस पैरामीटर को तय करके हमें रीप्रोसेस में वेस्ट को लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन यार्न स्पिनिंग एज लैब बीट स्लाइबर बीट, यानी लैब के टुकड़े स्लाइबर, हम स्लाइबर ब्लोरूम में लैब बनाते हैं, स्लाइबर हमारा कार्डिंग में बनता है और ड्रॉ फ्रेम पे, तो यहाँ पे हम जो है प्रोसेस में जो है स्लाइबर के टुकड़े, लैब के टुकड़े, ये हमारे निकलते रहते हैं। तो क्वेश्चन है इन यार्न मैन्युफैक्चरिंग एज लैब बीट स्लाइबर बीट रोविंग एंड्स एंड न्यूमा फील एंड रोलर वेस्ट आर, इनको हम क्या कहते हैं, रोलर वेस्ट आर वेस्ट, रीयूजेबल वेस्ट, सॉफ्ट वेस्ट, हार्ड वेस्ट, स्वीपिंग वेस्ट, इनको हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस में जो हमारे लैब बीट स्लाइबर बीट रोविंग एंड्स एंड न्यूमा फील वेस्ट जो हमारे निकल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जनरली इसको हम रीयूजेबल वेस्ट नाम देते हैं, रीयूजेबल वेस्ट और सॉफ्ट वेस्ट, इसको हम प्रोसेस में हम उसी सेम लॉट में इसको हम मिक्स कर लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रीयूजेबल वेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूजेबल वेस्ट कंट्रोल ओवर बाय, यूजेबल वेस्ट कंट्रोल ओवर बाय एंड ब्रेक इन वेरियस मशीन। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है वर्क प्रैक्टिस ऑफ ऑपरेटिव्स, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन हमारा है कि यूजेबल वेस्ट कंट्रोल ओवर बाई, अगर हम इसके ऊपर किसके ऊपर कंट्रोल करें जिससे हमारा यूजेबल वेस्ट हमारा कंट्रोल हो, यूजेबल वेस्ट जो हमारा निकल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है कि इंड ब्रेक को हम कंट्रोल करें, इंड ब्रेक्स इन वेरियस मशीन, इंड ब्रेक को अगर हम कंट्रोल करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं, वर्क प्रैक्टिस ऑफ ऑपरेटिव, जो हमारा ऑपरेटर है मशीन ऑपरेटर है वो, उसको हम ऐसी वर्क प्रैक्टिस जो है डेवलप करें जो मिनिमम कम से कम कास्ट जो है, कम से कम वेस्ट जो है प्रोड्यूस करें, तो इस तरीके से हम अपने वेस्ट लेवल को, यूजेबल वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विजुअल लॉस इन स्पिनिंग प्रोसेस आर, इन विजुअल लॉस इन स्पिनिंग प्रोसेस आर, ऑप्शन है शॉर्ट फाइबर फ्लफ एस्केपिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट में जनरली शॉर्ट फ्लाई फ्लफ उड़ते रहते हैं, यानी मटेरियल से निकल करके मशीन उड़ करके मशीन पे या फ्लोर पे आते हैं, इसको ये हमारे इंडिविजुअल लॉस है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इम्प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका हम प्रॉपर जो है कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर वेट नहीं कर रहे हैं, उसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट जो है नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वेइंग एरर इन कॉटन परचेस्ड एंड वेस्ट सोल्ड, या तो हम जो कॉटन में रॉ मटेरियल जो हम ले रहे हैं इनटेक हो रहा है वो उसका हमें कहीं कहीं वेट में एरर हो, जो हम वेइंग मशीन से वेट कर रहे हैं उसमें एरर है, या जो हम वेस्ट जो सेल कर रहे हैं उसमें कहीं से एरर है, जिस वजह से ये हमारे इंडिविजुअल जो है लॉसेस हो रहा है, जो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये लॉसेस कहाँ से हो रहा है, यानी हमारा फिनिश प्रोडक्ट प्लस वेस्ट दोनों को एडिशन करके हमारा रॉ मटेरियल के बराबर होना चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल को हमने लिया और उसके बाद जो अब हमारा वेस्ट है, जो वेस्ट को और फिनिश प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल के इक्वल नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ पे लॉस है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं,
तो ये रीजन होते हैं कि ये इंडिविजुअल लॉस के रीजन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट लॉस है। ये हमारे जो एबव हमारे तीन स्टेटमेंट है, एबीसी, ये हमारे स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ वेस्ट जनरेशन इन स्पिनिंग मिल आर, स्पिनिंग मिल में वेस्ट जनरेशन के क्या कॉजेज होते हैं, कौन कौन से कॉजेज होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है, लूज कॉटन फॉलिंग फ्रॉम बेल व्हाइल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारी कॉटन बेल से फट करके बाहर की तरफ लटकी हो उसको जमीन पे गिरना, फ्लोर पे गिरना। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, रिजेक्शन फ्रॉम फॉल्टी वर्क, हम जो है कहीं प्रोसेस में जो है कमियां हो गई, गलतियां हो गई, जिसको हम बैक लेते हैं, मेटेरियल को हम बैक लेते हैं, वहां पे हमारा जो है वेस्ट जनरेशन होता है। पुअर वर्क प्रैक्टिस एंड इम्प्रॉपर मेटेरियल हैंडलिंग, पुअर वर्क प्रैक्टिस, जो हमारे ऑपरेटर हैं उनके जो वर्क प्रैक्टिस है, वेस्ट को कंट्रोल का कोई जो है सिस्टम नहीं है, उस केस में भी वेस्ट लेवल हमारा बढ़ता है, एंड इम्प्रॉपर मेटेरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से ऊपर के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द अबव, ये कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ वेस्ट जनरेशन इन स्पिनिंग मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट जनरेशन इन स्पिनिंग, स्पिनिंग प्रोसेस में कौन सा फैक्टर है जो वेस्ट के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है हमारा यार्न ब्रेकेज रेट, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टाइम टेकन इन अटेंडिंग टू द यार्न ब्रेकेज, नेक्स्ट ऑप्शन है वर्किंग प्रैक्टिस एंड कल्चर, नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे यार्न ब्रेकेज रेट, यार्न ब्रेकेज अगर हो रहा है उसको हम कंट्रोल करें, या ये यार्न ब्रेकेज अगर ज्यादा है तो उस केस में वेस्ट बढ़ेगा। टाइम टेकन इन अटेंडिंग द यार्न ब्रेकेज, यार्न ब्रेकेज अगर इस हमारा स्पिंडल पे हो रहा है तो ऑपरेटर अगर तुरंत फ्रिक्वेंटली अटेंड नहीं करता है उस केस में भी वेस्टेज का लेवल बढ़ जाता है। वर्किंग प्रैक्टिस एंड कल्चर, हमारा ऑपरेटर जो है जो वर्क प्रैक्टिस है उसको वेस्ट कंट्रोल के सिस्टम को कितना फॉलो करता है इस पे भी हमारा वेस्ट लेवल डिपेंड करता है। ये हमारे ऊपर के तीनों ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो रूम ड्रॉपिंग लिकर इन ड्रॉपिंग फ्लैट स्ट्रिप कॉम्बर वेस्ट नॉयल हार्ड यार्न वेस्ट स्वीप वेस्ट फैन सक्शन वेस्ट एंड गटर फिल्टर वेस्ट आर, यानी ये हमारे जो ऊपर जो वेस्ट जिनको हम नाम मेंशन किया गया है, ब्लू रूम ड्रॉपिंग लिकर इन ड्रॉपिंग फ्लैट स्ट्रिप कॉम्बर वेस्ट नॉयल हार्ड यार्न वेस्ट स्वीप वेस्ट फैन सक्शन वेस्ट एंड गटर वेस्ट आर, ऑप्शन ए है सेलेबल वेस्ट, यूजेबल वेस्ट, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ये वेस्ट हमारे जो है सेलेबल वेस्ट होते हैं, स्पिनिंग मिल जनरली उसको रीप्रोसेस में नहीं लेती है, यूजेबल वेस्ट नहीं होते। अदर जो है हमारे कस्टमर होते हैं जो इनको मेटेरियल को परचेज करके और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट में यूज करते हैं, तो ये दैट इज सेलेबल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिड्यूस हार्ड वेस्ट इन वाइंडिंग आर, टू रिड्यूस हार्ड वेस्ट इन वाइंडिंग आर, ऑप्शन ए है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कॉप्स बाय रिड्यूसिंग डिफेक्ट लाइक रिंग कट्स ओवरफिल्ड कॉप्स डबल गेटिंग एटसेट्रा, ऑप्शन बी हमारा है मेंटेनिंग द नंबर ऑफ अंडरवाउंड कॉइल ऑन द कॉप्स एट बिलो 5, नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योर अ हाई कॉप्स कंटेंट फॉर द गिवन पैकेज साइज, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। टू रिड्यूस हार्ड वेस्ट इन द वाइंडिंग एयर, इसके लिए हमारे ऊपर के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इम्परफेक्शन इंडेक्स आईपीआई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मास सीवी हेरिनेस इंडेक्स पीरियडिक फॉल्ट क्लासमेट फॉल्ट आर फॉल्ट ऑफ, किसके हैं ये फॉल्ट, ये ऊपर जो हमारे फॉल्ट जिनको हमने मेंशन किया हुआ है ये किसके फॉल्ट है, फैब्रिक फॉल्ट स्लाइबर यार्न फैब्रिक फाइबर, ये हमारे जो फॉल्ट है ये यार्न से रिलेटेड फॉल्ट है, तो ये सारे फॉल्ट यार्न के फॉल्ट है।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इम्परफेक्शन इंडेक्स आईपीआई सम ऑफ, इम्परफेक्शन इंडेक्स आईपीआई सम ऑफ थिक प्लेस प्लस 50%, थिन प्लेस माइनस 50%, नेप्स प्लस 200% एंड ऑल ऑफ द एबव. यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव. इम्परफेक्शन इंडेक्स आईपीआई हमारे थिक प्लेस, थिन प्लेस और नेप्स के टोटल वैल्यू को हम आईपीआई इंडेक्स बोलते हैं. क्लासमेट फॉल्ट है, क्लासमेट फॉल्ट है नेप्स, शॉर्ट थिक, बी ऑप्शन है हमारा लॉन्ग थिक और डबल यार्न, ऑप्शन सी है लॉन्ग थिन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव. तो क्लासमेट फॉल्ट ए ऊपर दिए हुए ए बी सी में जो भी हमारे ऑप्शन है सभी क्लासमेट फॉल्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल एंड स्कोप ऑफ प्रोसेस कंट्रोल इन स्पिनिंग आर, रोल एंड स्कोप ऑफ प्रोसेस कंट्रोल इन स्पिनिंग आर. ऑप्शन ए यार्न एट मिनिमम कॉस्ट, यार्न ऑफ डिजायरेबल क्वालिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, यार्न एट मिनिमम कॉस्ट, यार्न ऑफ डिजायरेबल क्वालिटी. हमारा स्पिनिंग प्रोसेस कंट्रोल का मेन सोल पर्पज होता है हमारी कास्ट को, जो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कास्टिंग को कंट्रोल करना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी हमारी बेस्ट हो और कास्ट हमारी कम से कम हो, प्रोसेस कंट्रोल का मेन हमारा सोल पर्पज होता है. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैकर इज फॉल्ट ऑफ, क्रैकर फॉल्ट है किसका, फैब्रिक, फाइबर, यार्न, नन ऑफ दीज. यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है यार्न. क्रैकर जो है यार्न फॉल्ट है, रिंग फ्रेम पे हमारी ड्राफ्टिंग में जो है लॉन्ग फाइबर दोनों रोलर में यानी फ्रंट रोलर मिडिल रोलर में जब ग्रिप होते हैं तो फाइबर रप्चर होते हैं और फाइबर वो लॉन्ग फाइबर जो है क्रैकर्स जो है क्रिएट करता है, यानी फाइबर हमारे श्रिंक हो जाते हैं. इस तरीके से ये यार्न फॉल्ट है, क्रैकर इज अ यार्न फॉल्ट. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ड्रॉपिंग फर्स्ट वेस्ट ऑफ, ड्रॉपिंग फर्स्ट जो है वेस्ट है किसका, ब्लूरूम, ड्रॉ फ्रेम, कॉर्डिंग, रिंग फ्रेम. यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है कॉर्डिंग. ड्रॉपिंग फर्स्ट जो वेस्ट है वो कॉर्डिंग का वेस्ट है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रॉपिंग सेकेंड फ्लैट स्ट्रिप ऑफ कोर्स काउंट फ्लोर स्वीपिंग सेकेंड डस्ट आर. ऑप्शन ए यूजेबल वेस्ट, नॉन यूजेबल वेस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ एबव. यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है नॉन यूजेबल वेस्ट. ड्रॉपिंग्स ए जो वेस्ट मेंशन है ये नॉन यूजेबल वेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉपिंग फर्स्ट टेकर इन वेस्ट फ्लैट स्ट्रिप मोट्स एंड फ्लाइज स्लाइवर वेस्ट आर वेस्ट ऑफ रिंग फ्रेम, कार्डिंग, ब्लोरूम, ड्रा फ्रेम. ये जो ऊपर हमारे वेस्ट जो मेंशन किए गए हैं ड्रॉपिंग फर्स्ट टेकर इन वेस्ट, ये किस मशीन के वेस्ट है, किसके वेस्ट है, रिंग फ्रेम, कार्डिंग, ब्लोरूम, ड्रा फ्रेम. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कार्डिंग. ये हमारे कार्डिंग मशीन से ये सारे वेस्ट जो है अलग अलग पार्ट से जो है निकलते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है बी कार्डिंग. न्यूमाफिल हार्ड वेस्ट, बोंडा वेस्ट आर वेस्ट ऑफ, ये जो वेस्ट मेंशन है हमारे न्यूमाफिल हार्ड वेस्ट एंड बोंडा वेस्ट आर वेस्ट, ये किसके वेस्ट है, किस मशीन के वेस्ट है. ऑप्शन ए रिंग फ्रेम, कार्डिंग, सी ब्लोरूम, डी ड्रा फ्रेम. तो हमारे जो ऊपर जो मेंशन वेस्ट है ये रिंग फ्रेम के वेस्ट है, रिंग फ्रेम हमारे वेस्ट है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज काम्बर वेस्ट एंड वेस्ट परसेंटेज, यानी काम्बर वेस्ट क्या है और कितना परसेंट. हमारा ऑप्शन है टेकर इन वेस्ट, ऑप्शन बी नॉयल 12 to 18%, फ्लैट स्ट्रिप, मोट्स एंड फ्लाई. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नॉयल 12 to 18%. एक हमारा कॉम्बर वेस्ट है जिसको हम कॉम्बर वेस्ट को हम जनरली नॉयल कहते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्लब इज फॉल्ट ऑफ, स्लब इज ए फॉल्ट ऑफ फैब्रिक, फाइबर, यार्न, नन ऑफ दीज. यहाँ पे स्लब जो है फॉल्ट है वो किसका है, फैब्रिक का, फाइबर का, यार्न का. यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है यार्न का. स्लब हमारा जो फॉल्ट है वो यार्न फॉल्ट है.
थिक प्लेसेज होता है, लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस में थिक प्लेसेज जो होता है उसको हम स्लब या स्लब कहते हैं। क्रिटिकल कार्टन प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सिंग, यहाँ पे हम मिक्सिंग से संबंधित कुछ एडिशनल जानकारी जो है लेंगे, क्योंकि मिक्सिंग एक हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, जिस मिक्सिंग के माध्यम से हम क्वालिटी यानी कि क्वालिटी और कास्ट दोनों पैरामीटर को हम कंट्रोल करते हैं। तो आइए देखते हैं, द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन कॉटन प्रॉपर्टीज विच आर मेजर्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ कॉटन बेल। मिक्सिंग में जो फाइबर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम कॉटन जब मिक्सिंग करते हैं तो उनको हम ध्यान में रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी है लेंथ, मेजर्ड आइदर इन इंच और इन एमएम। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है फाइननेस, कॉटन फाइबर फाइननेस यूजली मेजर्ड इन माइक्रोनियर, दैट इज वेट ऑफ फाइबर इन माइक्रोग्राम पर इंच। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेंथ यानी फाइबर की लेंथ का हम ध्यान रखेंगे, लेंथ शुड बी सिमिलर, फाइननेस शुड बी सिमिलर, एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मेजर्ड एज फाइबर बंडल ब्रेकिंग फोर्स इन ग्राम पर टेक्स। नेक्स्ट हमारा जो है मेच्योरिटी प्रॉपर्टीज हो जाती है, मेजर्ड आइदर इन टर्म ऑफ मेच्योरिटी कोफिशियंट आर इन मेच्योरिटी रेशियो। यूनिफॉर्मिटी मेजर्ड आइदर इन परसेंटेज आर एज एन इंडेक्स। शॉर्ट फाइबर कंटेंट मेजर्ड एज परसेंटेज, शॉर्ट कंटेंट मेजर्ड एज परसेंटेज, मॉइस्चर कंटेंट मेजर्ड एट परसेंटेज, ब्राइटनेस रिप्रेजेंट एज आर डी वैल्यू अगेंस्ट डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन, एलोनेस रिप्रेजेंट एज प्लस बी वैल्यू, कलर ग्रेड इज डिटरमाइंड विद कंजक्शन ऑफ आर डी एंड प्लस बी वैल्यू। ये हमारे मिक्सिंग के जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम मिक्सिंग में कंट्रोल करते हैं, ध्यान देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर प्रोसेस कंट्रोल ऑफ स्पिनिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, आपको जो है काफी कुछ इस लेक्चर से जो है जानकारी हासिल हुई होगी। थैंक यू।